तो दोस्तों यार ओप्पो लेके आ गए अपनी नई ब्रांड न्यू ओप्पो F19 सीरीज। यहाँ दोस्तों जिनमें उन्होंने अपने दो फोन्स को लॉन्च किया है, ओप्पो F19 प्रो एंड ओप्पो F19 प्रो प्लस। तो दोस्तों मेरे पास ओप्पो F19 प्रो आ चुका है, आज हम इसी को अनबॉक्स करके देखेंगे और देखेंगे हमें इसमें क्या क्या फीचर देखने को मिलते हैं और इसी की क्या होती है पूरी कहानी। तो उससे पहले आप वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, मेरा नाम है लविश कंसल, आप देख रहे हो टेक्निकल लविश। सो लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। तो दोस्तों ये हमारे पास इसी ओप्पो F19 प्रो का बॉक्स, जहाँ पे हमें ओप्पो F19 प्रो की सबसे पहले ब्रांडिंग दी हुई है, ऊपर छोटी सी ओप्पो की ब्रांडिंग दी हुई है, साइड पे भी ओप्पो F19 प्रो की ब्रांडिंग है। और ये फोन आता है हमारे पास क्रिस्टल सिल्वर कलर में, जिसमें लगी हुई है 8GB की रैम एंड 128GB की स्टोरेज। और आप जैसे देख रहे हो ऊपर यहाँ पे हमें इसी ओप्पो F19 प्रो की मेन हाईलाइट शो की हुई है, जो की है 30W वूक फ्लैश चार्ज 4.0 ड्यूल व्यू वीडियो, AI कलर पोर्ट्रेट वीडियो और सिस्टम परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजर, जो की और ये एंड्रॉइड फोन है। और अगर हम इसी की प्राइस की बात करें तो बॉक्स में हमें ऊपर की तरफ दी हुई है इसी की प्राइस, जो कि है 23,999 रुपीज। बट जो इसकी एक्चुअल प्राइस है, जो इसकी एग्जैक्ट प्राइस है, वो मैं आपको वीडियो में आगे बढ़ते हुए बताऊंगा। तो और अच्छी बात ये भी है इस फोन में कि ये फोन बना है इंडिया में। तो चलिए दोस्तों हम करते हैं इसी के बॉक्स को ओपन। तो सबसे पहले ऊपर यहाँ पे हमें एक और बॉक्स दिया हुआ है, जिसमें हमें ओप्पो की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी। और इसी बॉक्स को हम ओपन करते हुए हम देखते हैं हमें इसके अंदर क्या क्या देखने को मिलता है। तो इसी के अंदर सबसे पहले हमें एक सेक्शन दिया हुआ है, और अगर हम इसी के सेक्शन को खोल कर देखें तो इसमें हमें सबसे पहले एक सिम इजेक्टर टूल दिया हुआ है, सम डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड की हुई है ओप्पो ने हमें, और एक काफ़ी अच्छी क्वालिटी का क्लियर केस भी प्रोवाइड किया हुआ है फ़ोन की प्रोटेक्शन के लिए। तो इससे आगे हम देखते हैं कि हमें इसके नीचे रखा हुआ है इसी ब्रांड न्यू ओप्पो F19 प्रो, जो कि क्रिस्टल हमारे पास आता है क्रिस्टल सिल्वर कलर में। इसके बारे में हम वीडियो में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं। और इसी के नीचे यहाँ पे रखा हुआ है इसी का 30W वूक फ्लैश चार्जर, जो कि आपके फोन को मिनटों में ही चार्ज कर देगा। और इसी के नीचे यहाँ पे हमें इसी के ईयरफोन्स भी देखने को मिल जाएंगे, और यहाँ पे हमें मिलता है Type-A to Type-C केबल। तो चलिए दोस्तों अब हम मेन फोन की बात करते हैं इसी के बॉक्स को साइड में करते हुए। तो अगर हम इसी फोन के बारे में बात करें तो दोस्तों फोन काफी स्लीक सा लग रहा है। इसी की प्रोडक्शन को रिमूव करते हुए हम देखते हैं इसी की फोन की फर्स्ट लुक। तो दोस्तों ये है इसी फोन की फर्स्ट लुक और इसी का डिजाइन, जो कि काफी ज्यादा प्रीमियम लग रहा है और काफी ज्यादा लाइट वेट फोन है दोस्तों, काफी अच्छी लुक दे रहा है इसी फोन को। और पीछे की तरफ हमें इसमें क्वाड कैमरा सेटअप भी देखने को मिल जाता है, जो कि हमें रेक्टेंगुलर कैमरा देखने को मिलता है, जो कि इसी के फोन को काफी ज्यादा प्रीमियम लुक प्रोवाइड कर रहा है। और अब हम करते हैं इसी फोन को ऑन, और इस तरह मैं आपको बताता हूँ इसी फोन की फिजिकल ओवरव्यू के बारे में। अगर हम बात करें तो साइड में हमें पावर अनलॉक बटन और लॉक बटन देखने को मिलता है, ऊपर की साइड हमें सेकेंडरी माइक्रोफोन देखने को मिलता है, साइड पे हमें देखने को मिलता है वॉल्यूम अप डाउन बटन, और इसी के ठीक ऊपर हमें सिम ट्रे भी देखने को मिलती है। और जो इसी की सिम ट्रे है उसमें हम अपने दो सिम कार्ड्स भी लगा सकते हैं और एक SD कार्ड भी लगा सकते हैं अपनी इसी फोन की स्टोरेज को एक्सपेंड करने के लिए। और नीचे की साइड अगर मैं आपको बताऊं तो नीचे की साइड हमें 3.5mm हेडफोन जैक देखने को मिल जाएगा, प्राइमरी माइक्रोफोन देखने को मिल जाएगा, Type-C पोर्ट लगा हुआ है और एक स्पीकर ग्रिल देखने को मिल जाएगी। और अगर दोस्तों हम इसी फोन के डिजाइन के बारे में बात करते हैं तो पीछे की तरफ हमें इसमें मैट फिनिश देखने को मिल जाएगी, जो कि काफी ज्यादा अच्छी लग रही है इस फोन के अकॉर्डिंगली। पीछे की तरफ हमें क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा, जो इसका मेन कैमरा है, जो इसका प्राइमरी कैमरा है, वो आता है 48MP के साथ। 8MP का हमें अल्ट्रा वाइड एंगल शॉट्स के लिए कैमरा देखने को मिल जाएगा, 2MP का हमें मैक्रो लेंस देखने को मिल जाएगा, और 2MP का ही हमें डेप्थ कैमरा देखने को मिल जाएगा। और ड्यूल LED फ्लैश भी लगी हुई है यहाँ पे, और यहाँ पे हमें शो किया हुआ है इसी का AI का फीचर, जो इसी के कैमरा के अंदर हमें दिया हुआ है। तो ओवरऑल इसकी अगर हम डिजाइन की बात करें तो काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, और यहाँ पे हमें छोटी सी ओप्पो की मिनिमल सी ब्रांडिंग भी दी हुई है। तो दोस्तों डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये फोन काफी अच्छा है ही। आगे की तरफ भी इसमें हमें देखने को मिलेगी 6.43 इंच की फुल HD+ डिस्प्ले सुपर AMOLED के साथ में, जो कि आती है 60Hz के रिफ्रेश रेट के साथ में। तो दोस्तों डेफिनेटली ये डिस्प्ले काफी ज्यादा अच्छी है ही, और इसमें हमें देखने को मिलेगा इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, और ऊपर की तरफ यहाँ पे हमें पंच होल डिजाइन सेल्फी कैमरा भी देखने को मिलेगा, जो कि आता है इसी फोन में 16MP के साथ में। तो दोस्तों ये थी इसी की डिस्प्ले की बात। तो अब अगर हम आगे बढ़ते हुए इसी के और फीचर्स की बात करें तो इसी में हमें ओप्पो की टिपिकल स्टाइलिंग में कलर OS 11.1 देखने को मिलेगा, वो भी लेटेस्ट एंड्रॉइड 11 के साथ में। और दोस्तों इसमें लगा हुआ है MediaTek Helio P95 ऑक्टा कोर प्रोसेसर, जो कि काफी अच्छा प्रोसेसर माना जाता है। और इसमें लगी हुई है 4310mAh की बैटरी, जो कि आती है 30W की वूक फ्लैश चार्जिंग के साथ में, जो कि काफी फास्ट चार्जिंग मानी जाती है टेक वर्ल्ड के अंदर।
और दोस्तों अब अगर हम बात करें बायोमेट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू से इस फोन में, तो दोस्तों जो इसका फेस अनलॉक है और इसका फिंगरप्रिंट सेंसर है वो काफी ज्यादा फास्ट काम करता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख ही रहे हो, वो काफी ज्यादा अच्छा काम करता है इसी का फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक भी। और दोस्तों इसी की डिस्प्ले के अंदर हमें कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन भी देखने को मिल जाएगी। और अब अगर हम बात करते हैं इसी की कैमरा की, तो इसका कैमरा भी इसी फोन को काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग फीचर प्रोवाइड करता है। वैसे भी दोस्तों जो ओप्पो का कैमरा होता है, ओप्पो का डिजाइन और कैमरा होता है, उसमें ओप्पो काफी ज्यादा अमेजिंग काम तो करता ही है। और दोस्तों जो इसका कैमरा ऐप है उसमें आपको काफी सारे फीचर्स देखने को मिल जाएंगे इसी के कैमरा के अंदर, काफी सारे फीचर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। और इसमें आपको ड्यूल व्यू वीडियो भी देखने को मिल जाएगी, स्लोमो मोड देखने को मिल जाएगा, टाइम लैप्स मोड देखने को मिल जाएगा, काफी सारे फीचर्स आपको इसके इसमें देखने को मिल जाएंगे। और इसमें आपको एआई का भी सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, दोनों में फोटो और वीडियो दोनों में आपको एआई का भी सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। और कैमरा जो सैंपल्स आप सामने स्क्रीन पे देख रहे हो वो मैंने इसी के रियर और सेल्फी कैमरे से क्लिक की है 48 मेगापिक्सल की क्वालिटी के साथ में, वो एक बहुत ज्यादा अच्छी बात है। सेल्फीज वगैरह में भी दोस्तों कोई भी कंप्लेंट नहीं है इस फोन में, तो मतलब कैमरा पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये फोन काफी अच्छा है ही। फोटो तो आप सामने स्क्रीन पे देख ही रहे हो, बताइए आपको कैसे लगी इसी की कैमरा क्वालिटी नीचे कमेंट करते हुए। और दोस्तों अगर हम बात करते हैं इसी की वीडियो प्लेबैक या साउंड क्वालिटी की, तो वीडियो में आपका कुछ ऐसा एक्सपीरियंस रहेगा जो कि काफी अच्छा है फुल एचडी प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले की होने की वजह से। तो दोस्तों ये थी इसी की वीडियो क्वालिटी, और अब अगर आपको मैं इसी की साउंड क्वालिटी चेक करवाऊं तो आपको सच्ची में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। तो चलिए मैं आपको साउंड क्वालिटी चेक करवाता हूं इसी की। तो दोस्तों ये थी इसी ओप्पो F19 Pro की पूरी कहानी। और दोस्तों इंडिया में ये 3 कलर्स में हमें अवेलेबल होता है ये फोन, ब्लैक, सिल्वर एंड पर्पल। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों अब अगर मैं अपना ऑनेस्ट ओपिनियन बताऊं इस फोन को लेकर, तो दोस्तों इम्प्रूवमेंट तो पिछले ओप्पो F17 या F17 Pro से काफी ज्यादा हुई है, ये तो हमें मानना ही पड़ेगा। हाँ ये बात तो इसमें है कि इसमें हमें ओप्पो वाले थोड़ी सी और बड़ी बैटरी प्रोवाइड कर सकते थे, 5000 mAh बैटरी प्रोवाइड कर सकते थे, और इसमें हमें 90Hz का पैनल भी प्रोवाइड कर सकते थे सुपर एमोलेड डिस्प्ले के साथ में, अगर हम इस प्राइस रेंज के हिसाब से देखें बाकी ब्रांड्स के कंपैरेटिवली। बाकी दोस्तों ओवरऑल फोन काफी ज्यादा बढ़िया है, अच्छी डिस्प्ले है, बहुत ही स्लीक डिजाइन है, हैंडी फोन है, काफी ज्यादा अच्छा फोन निकल कर आया है मार्केट में ओप्पो वालों का। बाकी दोस्तों आप बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में कि आपको कैसा लगा ये फोन, और ये भी जरूर बताना कि आपको ये फोन में क्या क्या अच्छा लगा, क्या क्या नहीं अच्छा लगा, ये नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम अगली वीडियो में, स्टे ट्यून्ड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।